अब लोग इसमें क्या बोलते हैं, बोलते सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, बोले इसलिए कुछ नहीं कर रहे, लिखा हुआ है। ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। सही अंडरस्टैंडिंग फिर से दरमियान में है। अच्छा ये बताओ, हम उनसे पूछते हैं, कोई अगर आपके सामने ऐसे बात करे ना, सीधा दो सवाल पूछो, सॉल्व होता है मसला। उसको बोलना तुम कैसे रब में मानते हो, तुम्हारा ईमान है ना, कैसे रब को मानते हो, ऐसे रब को मानते हो जिसको होने के बाद मालूम पड़ता है कि अच्छा ऐसा हो गया, या होने से पहले मालूम है, तुम कैसे रब को मानते हो? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप कैसे रब में ईमान है आपका? होने से, होने के बाद मालूम पड़ता है कि अच्छा ये खबर आई है वहां से, ये खबर, या होने से पहले से मालूम है? पहले से मालूम है, हाँ, ऐसे ही रब पे ईमान है हमारा। तो अल्लाह ताला को मालूम है, और इतना कंफर्म्ड मालूम है कि लिखा हुआ है किताब में, अल्लाह ताला ने लिख दिया है। वो इन्ना ज़ालिका अल्लाह यसीर, अल्लाह के लिए आसान है। जैसे बहुत से लोग हैं बात बोलते हैं, बोले मैं तो ये बोलता हूँ, उसको बोले तुम लिख के दे सकते हो, बोले नहीं लिख के नहीं दे सकता, इतने कन्फर्म नहीं होते, बोले बोल रहे लेकिन लिख के जितने देने जितने कन्फर्म नहीं। अल्लाह ताला का इल्म यकीनी इल्म है, अल्लाह के इल्म का कंपेरिजन नहीं है किसी के इल्म से, अल्लाह का यकीनी इल्म है, इतना यकीनी है कि लिखा हुआ है। तो हम बोलते हैं इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? को बोले नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो तुम ऐसे रब को मानते हो, मैं ईमान है तुम्हारा जिसको होने के बाद खबर मिलती है। तो बोले नहीं वैसे ही आप पे ईमान नहीं है, तो खत्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अल्लाह को मालूम है, इतना कंफर्म मालूम है कि लिखा हुआ है।